नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। और आज मैं आपको अपडेट दूंगा, यदि आपके पास एम पी जी फोर सेटअप बॉक्स है और एम पी जी फोर सेटअप बॉक्स में यदि आप चैनल्स डिलीट करना चाहते हैं, फिर डिलीट करने के बाद वापस कैसे चैनल लाना है, सब कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें और देखते जाएं कि कैसे आपको चैनल से यदि डिलीट करते हैं तो वापस कैसे आप उसको ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने रिमोट से मेनू को बटन प्रेस करना है। तो देख सकते हैं मैं मेनू को बटन प्रेस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया सेंटर हो गया, यूटिलिटी हो गया, इसके बाद इंस्टॉलेशन हो गया, फिर इसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग्स हो गया और यहाँ पर आपको चैनल्स एडिट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आता है टीवी चैनल्स, रेडियो चैनल्स, डिलीट चैनल्स, बस तीन ऑप्शन आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, डिलीट ऑल चैनल्स सेलेक्ट कर देना है। डिलीट ऑल चैनल्स में आपको यहाँ पर बताएगा कि आपके कितने टीवी चैनल्स हैं और कितने रेडियो चैनल्स हैं। और यहाँ पर आपको बोल रहा है योर श्योर कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो ओके प्रेस करना है और डिलीट नहीं करना है तो कैंसिल आपको कर देना है। तो यहाँ पर हम चैनल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ओके प्रेस करूँगा और प्रेस करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप वेट करेंगे तो आपको पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। और बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको नॉट एग्जैक्ट प्रोग्राम करके बता रहा है और आपको यहाँ पर से कोई भी चैनल्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर से इतने ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर से आपको करना क्या है कि फिर से आपको मेनू बटन प्रेस करना है। तो इतने ऑप्शन आपको आएंगे तो आपको इंस्टॉलेशन में आ जाना है। इंस्टॉलेशन में आपको आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेटेलाइट लिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है और एंटीना सेटिंग्स, मोटर सेटिंग्स और टीपी लिस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर तो आपको आ जाना है सेटेलाइट लिस्ट पे। सेटेलाइट लिस्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेटेलाइट मिलेगी, जो टोटल आपको 49 या 60 के करीब रहेगा या फिर 50 के करीब रहेगा। सब अलग अलग बॉक्स में अलग अलग सेटेलाइट लिस्ट पूरी रहती है। तो आपको यहाँ पर से QNS6 को सेलेक्ट कर लेना है, जो 95 की डिग्री पे आपका रहता है। उसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर से ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्क का चिन्ह लग जाएगा। मार्क का चिन्ह लगने के बाद आपके यहाँ पर से देख सकते हैं कि नीचे आपको सबसे पहले आ रहा है ओके, जीरो का बटन प्रेस करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं जीरो बटन प्रेस करता हूं तो ये देख सकते हैं जीरो बटन प्रेस करने पे ऑल पे लग जाता है। और फिर जीरो को हटा दूंगा तो आपको मार्क हट जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। रेड बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पर सेटेलाइट को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको ग्रीन बटन प्रेस करनी है, एडिट करने के लिए येलो बटन प्रेस करनी है और ब्लू बटन रहेगी जो आपको सर्च करने के लिए रहेगा। और इन्फो का बटन प्रेस करेंगे अपने रिमोट से तो आपको एंटीना का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट नंबर का मार्क करना है ओके करके, तो मार्क कर लिया। और यहाँ पर हम अपने रिमोट से इन्फो का बटन प्रेस करेंगे। जैसे इन्फो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम आप एंटीना सेटिंग्स पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने एंटीना सेटिंग्स में आ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर से सर्च करने के लिए येलो बटन को प्रेस करनी है। तो येलो बटन को मैं यहाँ पर से ब्लू बटन को प्रेस करनी है। ब्लू बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर से देख सकते हैं पहला आ रहा है सेटेलाइट सर्च का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको मोड आ रहा है, प्रीसेट आ रहा है, फिर इसके बाद FTA वाले आ रहा है, फिर इसके बाद आपको रेडियो आ रहा है। तो यहाँ पर आपको फ्री वाले चैनल्स चाहिए तो फ्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको ब्लाइंड मोड करना है। ब्लाइंड मोड करने के बाद आपको यहाँ पर FTA चाहिए तो यस कर दीजिए। आपको सिर्फ FTA चैनल्स ही मिलेंगे, इसके अलावा और कोई भी चैनल्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे मैं सर्च में ओके कर दूंगा। और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपकी जो TP होगी तो TP आना स्टार्ट हो जाएगी। और TP आने के बाद आपको यहाँ पर से चैनल्स आपको इस साइड रेडियो चैनल्स आ जाएंगे और इस साइड आपके TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स दोनों आ जाएंगे। तो इसमें मैं आपको चैनल लिस्ट नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहेगा, इस कारण से चैनल लिस्ट आपको नहीं दिखाऊंगा। जब TP आ जाएगी तो TP में आपको दिखा सकता हूं। ये देख सकते हैं यहां पर TP आ गई है और जो सेटेलाइट सेलेक्ट थी तो सेटेलाइट है। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑटो स्कैन आप देख सकते हैं, अभी जो ऑटो स्कैन हुआ है करीब आपका 21 के करीब हो चुका है, अभी भी ऑटो स्कैन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस 21 के करीब है और फिर से न्यू TP आपको आएगी। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं न्यू TP अभी स्कैन कर रहा है। तो इसको मैं कंप्लीट होने देता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं और इसकी जो टिपियाँ थी तो TP भी आ चुकी है और कितने स्कैन हुए हैं यहाँ पर स्कैन होकर बताएगा। आप देख सकते हैं RTA के करीब हो चुका है। अभी सिग्नल क्वालिटी आप देख सकते हैं, इस साइड आपका चैनल्स आएंगे तो सिग्नल क्वालिटी भी आपको बताएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टेंट है और ये इसकी TP हो गई जो TP में आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं सिग्नल क्वालिटी जितना आपको बता रहे हैं तो इसमें आपका आएगा और इसमें यहाँ पर आपकी TP स्कैन करेगा। तो इस तरह से आप अपने बॉक्स का जो रहता है तो चैनल्स को ऑटो स्कैन कर सकते हैं। यदि आपको डिलीट करके फिर से चैनल्स प्राप्त करने हैं नए चैनल्स को, तो इस तरह से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।